और मेरे अभी वो शादी वाला वीडियो सही लगा आपको जो मैं मामा के गाँव में? मैंने कहाँ देखा वो? अभी तो नहीं देखा? ले भैया ये दिखाया मैंने दिखाया नहीं दिखाया नहीं दिखाया पापा सब दिखा नहीं देखा। हेलो यस मैम बोलिए। सर वो मैंने बता दो किया लेकिन अभी मुझे पता नहीं चल पाएगा, वो आधे घंटे बाद पता चलेगा। अच्छा आधे घंटे बाद पता चलेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं फिर मैम। ओके थैंक यू मैम। मेरा क्या है मैं तो कभी भी आ जाऊंगा। ठीक है आंटी फिर मिलता हूँ मैं। ओके बाय। ठीक है आंटी बाय। तो भी आप सुन रहे होंगे जिससे मैं फ़ोन कॉल पे बात कर रहा था, तो 2-3 ब्लॉग पहले मैं क्रॉस रोड मॉल गया था। उस ब्लॉग में मैंने बोला था लास्ट में कि मैं कैमरा खरीदूंगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं कि नया कैमरा आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कैमरा कौन सा था, वो था इंस्टा 360 X2, बिल्कुल नया वर्जन है वो, अभी 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। मेरा बड़ा मन था वो खरीदने का और मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि मैं उसको खरीदूंगा, बट ऑनलाइन वो स्टॉक में आ नहीं रहा था। और यहाँ पर जब मैं गया स्टोर पर क्रॉस रोड मॉल के, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि मिल जाएगा। तो मैं 21 को गया था उनके पास, उन्होंने बोला था 24 को आ जाएगा। मैंने 24 तक का वेट किया, 24 को नहीं आया। उसके बाद उन्होंने बोला 25 को आ जाएगा। मैंने बोला अगर 25 को आ जाएगा तो मैंने उनको कुछ एडवांस दिया था, मैंने बोला अगर नहीं आएगा तो मैं वापस ले लूँगा। 25 को भी नहीं आया तो मैं 25 को अपना एडवांस वापस लेके आ गया। मैंने बोला अब अगर 4 दिन में भी नहीं आया तो फिर मेरा ट्रस्ट नहीं है इन लोगों पे, और मैंने पैसे वापस ले लिए। उसके बाद अभी मैंने कॉल किया है ये बोलने के लिए कि अगर आप पे आ चुका है प्रोडक्ट, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 26 तक तो आ ही जाएगा। तो अब आपने सुन ही लिया है, वो कह रहे हैं कि अभी पता नहीं चल रहा है क्या है कैसा है। अच्छा ही हुआ मैंने पैसे वापस ले लिए, तो कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में नहीं था वो अभी कैमरा, बाद में ले लेंगे कुछ टाइम बाद। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कैमरा लूँगा अपने बर्थडे पे, मतलब एज ए बर्थडे प्रेजेंट में कैमरा लूँगा अपने ही पैसों से, अपने आप को गिफ्ट दे रहा हूँ मैं। अब वो तो हो नहीं सका, तो अब सोच रहा हूँ मैं डेकैथलॉन जाऊँ और कुछ छोटा मोटा सामान ले लूँ। जबकि मेरी अम्मी बोल रही है कि कुछ कोट या जीन्स ले ले, बट अभी मेरा मन नहीं है, देखता हूँ अभी डेकैथलॉन जाऊँगा, उसके बाद कोटद्वार निकलना है। तो इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ पे रह रहे हो, तो ये हाथीबड़ किला में, ये पीछे विजय कॉलोनी है, यहाँ पे रह रहा था मैं 3-4 दिनों से। और अब ऑटो का वेट कर रहा हूँ। हाय भैया सब्सक्राइबर। थैंक यू भाई। देखो और मैं वही बंदा हूँ जिसने आपको एक बार आप DIT गए थे तो मैंने कहा था कि आप ऊपर मैगी पॉइंट क्यों नहीं गए हो। अच्छा नाम बता दो भैया। अंकुर बलोदी। अंकुर बलोदी ठीक है, थैंक यू भैया, मिलते रहेंगे। ठीक है थैंक यू, देखते रहना ऐसी वीडियो। बिल्कुल ओके भाई बाय। तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों से मिल तो नहीं पाया, तो मैं सबसे मिल तो नहीं पाया, बट जिससे मिल सकता था उनसे थोड़ा बहुत मिला मैं, क्योंकि सबकी टाइमिंग मैच नहीं कर पा रही थी। मैं जब भी बोल रहा था कि यहाँ पे आ जाओ वहाँ पे आ जाओ तो टाइमिंग से मैच नहीं कर पा रही थी। और फिर लोग बोल रहे थे मीटअप कर लो, तो मेरे को मीटअप करने में बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मीटअप करना मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था करूँ या ना करूँ, तो इसलिए अभी तो नहीं करी, बाद में आऊँगा तब करेंगे फिर मीटअप। तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ जिससे मैं नहीं मिला हूँ। पीछे डेकैथलॉन पहुंच चुका हूं मैं। 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में है जो लेनी है। एक तो ये हैमॉक, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा हैमॉक, क्योंकि मुझे भी कल ही पता चला है क्या होता है हैमॉक, तो अभी जब लूँगा तब बताऊँगा। और दूसरी चीज़ एक लाइट आती है जो यहाँ फोरहेड पे लगाते हैं, तो रात की ब्लॉगिंग के लिए वो ठीक रहेगी ज़्यादा। बाकी देखते हैं कुछ अच्छा सा मिलेगा तो लेंगे पक्का। लगभग 1 घंटे से मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, कुछ भी ढंग से नहीं मिला, बट हैमॉक मेरे को मिल गया था। जो आपने मूवीज़ में देखा होगा वो 2 पेड़ के बीच में वो लेटे रहते हैं, वही है हैमॉक। मेरे को भी अभी कुछ दिन पहले पता चला हैमॉक के बारे में, तो मेरे को लगा बड़ी कूल सी चीज़ है, तो मैंने ले लिया वो। तो न्यू ईयर पे मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और हम लोग प्लान कर रहे हैं किसी रिजॉर्ट जाएंगे, तो रिजॉर्ट में लगा के मस्त एकदम लेटे रहेंगे और मज़ा आएगा, अलग ही फील होगी। अब चलते हैं रिस्पिना पुल पर और वहीं से ट्रैकर पकड़ेंगे कोटद्वार के लिए। गलती से ऋषिकेश की बस में बैठ गया था, और अगर ये बस हरिद्वार भी जा रही होती तभी भी मैं चला जाता, बट मेरे रूट से बिल्कुल ही अलग था ऋषिकेश, इसलिए उतरना पड़ा मेरे को। प्यारी तरीके से फेंका बहनों पर। कॉलेज के दिन याद आ गए, एज यूजुअल पीछे की सीट ही मिली है, हर समय पीछे की सीट मिलती थी, बट सही भी है पीछे की सीट, क्योंकि जो फ्रंट की सीट है उसमें सोने नहीं देता है, बीच वाली सीट में एकदम घिचपिच हो जाती है, बिल्कुल ऐसे बैठा रहता है। लास्ट वाली सीट थोड़ी ठीक रहती है, बट जो पहाड़ों का रास्ता होता है वहाँ नहीं बैठ पाता मैं, बिल्कुल पीछे। तो फिर मैं पहुँचूंगा कोटद्वार, और ये देखिए ये कौन खड़ा है, दादी, दादी जगत दादी। हाँ जगह दादी हूँ मैं तो, है ना। हाँ रुड़की भी ऐसे बोलते हर जगह। तो बैठो, आओ हॉट सीट ले लो अपने। गुमखाल का ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। हाँ सब बढ़िया बढ़िया। कोटद्वार सही था गुमखाल देखने में? तो गुमखाल ही अच्छा था, सारे तरफ दिख रहा था, यहाँ उतना नहीं दिखता। अच्छा तो एक चॉकलेट की पकड़ी आपने ऐसे? मैंने कहा वो बोलेंगे कि चॉकलेट खा रही बुढ़िया। तो रख दो ना फिर, लाओ मुझे दे दो, लाओ। गुमखाल जाने का फिर से मन नहीं कर रहा? करेगा जब तुम कहीं दूर जाओगे तो। अच्छा मतलब जब हम कहीं घूमने जाएंगे तो दादी गुमखाल चली जाएगी। गुमखाल या फिर अपने गांव भी तो जा सकते हो। देखूंगी। और बाकी आपको बहुत लोग वो कर रहे थे, मिस कर रहे थे आपको, सब कमेंट आ रहे थे कि दादी कहाँ है, दादी कब आएगी। उनको उनको के? मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि दादी कब आएगी। अच्छा तो आप कुछ बोलना चाहोगे? आऊंगी जब मेरा टाइम लगेगा। अरे आ तो गए, मन होगा। आ तो गए वीडियो में, अब ऐसे बोलो ना आ गई हूँ मैं, अब आ गई आ गई, नया साल आ ही गया। हाँ ऐसा आ ही गया है। हाँ। अब जब मैं ब्लॉग डालूंगा तब तक तो नया साल आ ही जाएगा, है ना। और आजकल मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। थैंक यू थैंक यू। तो अभी मैं देहरादून जा रखा था ना। हाँ अभी तो वापस आया हूँ। तो आप? मैं गुमखाल जा रखी थी। नहीं तो मेरी याद आ रही थी आपको? नहीं आ रही थी। अरे बाप रे। तुझे भी आ रही थी। और क्या। दुनिया को आ रही। हाँ दुनिया को आ रही है तो फिर तो क्या ही बोलना है। बहुत ठंडा हो रखा है ना। हाँ तो चलो हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबको। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं मुबारक। वाह क्या बोलता हूँ, काफी इतना बोले तैयार। हाँ जाओ वीडियो बनाने। और मेरे अभी वो शादी वाला वीडियो सही लगा आपको जो मैं मामा के गाँव? मैंने कहाँ देखा हो? अभी तो नहीं देखा? ले भैया नहीं दिखाया मैंने, मैं दिखाया नहीं। अच्छा याद नहीं, अभी नहीं दिखाया? नहीं दिखाया पापा? शादी का नहीं देखा क्या? वो कुकी मामा के भाई की शादी? अरे नहीं तो दादी वहाँ थी। अच्छा दादी तो सॉरी। तो अपने बेटे को नहीं बोला आपने की दिखाओ मुझे वीडियो? मैं तो देहरादून जा रखा था, तो आप अपने बेटे को बोलना चाहिए ना। तो मुझे क्या उसमें इसमें जरा देख जाता नहीं दिखता। ओ दादी बोल रही है लैपटॉप में ढंग से दिख जाता है। लैपटॉप में दिखाओ। हाँ फोन में नहीं दिखता। फोन में नहीं दिखता। चलो कोई बात नहीं। अभी भी थोड़े दिख रहे हैं वहाँ। तो जाओ वो तैयार। ठीक है बोल दो थैंक यू, बोल दो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ क्योंकि बहुत दिन से सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो कर दो कर दो। जाओ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।